नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि वहां की महाविकास अघाड़ी ये तीन तीन बड़ी बड़ी पार्टियों का एक बेमेल सा गठबंधन फिर से आपस में भिड़ रहा है। दिक्कत सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की होने वाली है, क्योंकि एमवीए के लीडर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि ना तो उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें दी जाएगी और ना ही उन्हें चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा। पिछले एक सप्ताह से, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और महाराष्ट्र में चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ी है, संजय राउत उद्धव ठाकरे इस जिद पे अड़े थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना तो दूर, अब कहानी ये समझ में आ रही है कि सीटें भी काट दी जाएंगी। उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटों पे, जिस तरीके से ज्यादा सीटों पे वो लड़ गए लोकसभा में, वो भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका वो इस बात पे लग रहा है कि एमवीए का चेहरा कौन होगा, उस पे शरद पवार ने ही वज्रपात कर दिया है। शरद पवार ने ही कह दिया कि उद्धव ठाकरे हमें एमवीए के चेहरे के रूप में मंजूर नहीं है, और इसलिए वहां अलग किस्म की राजनीति अब शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे एमवीए में रहेंगे या वापस बीजेपी में जाएंगे, यह सवाल उठने लगा है, क्योंकि उधर भी कई सारी चर्चाएं आ रही हैं कि बीजेपी गठबंधन जो उधर है उसमें अजीत पवार से पीछा छुड़ाने की बात चल रही है। कई सारी चीजें आ रही है, लेकिन आज इस वीडियो में हम महाविकास अघाड़ी के अंदर जो उठा पटक चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं शरद पवार के बयान से। शरद पवार को बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले 5 दिनों से संजय राउत लगातार इस बात को दबाव डाल रहे थे कि एमवीए का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश अगर किसी को करना है तो वो उद्धव ठाकरे का होना चाहिए। और जब पत्रकारों ने पूछा तो शरद पवार ने जो जवाब दिया उसे जरा देखते हैं। इन ए पॉसिबल जोल्ट टू द महाविकास अघाड़ी अलायंस, एनसीपी चीफ शरद पवार डिसमिस्ड द शिवसेना यूबीटी प्रपोजल टू नेम अ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कोलिशन। पवार रिपोर्टेडली स्ट्रेस्ड दैट द कोलिशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव फेस, rejecting the idea of spotlighting one individual. Our alliance is a collective face. We do not believe in one person's face. Collective leadership is our formula, Pawar stated. This statement is perceived as a setback to Shiv Sena UBT's effort to position Uddhav Thackeray as the chief ministerial candidate for the upcoming Maharashtra assembly elections. तो महाराष्ट्र में क्या खबर आ रही है, क्या चल रहा है कि महाविकास अघाड़ी है इस अलायंस के ऊपर ही अब सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हुई है। ये लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कोशिश कि मैं बनूंगा, और इसीलिए आपने देखा होगा कि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के स्पोक्स पर्सन है वो लगातार राहुल गांधी की तारीफ, उनके कसीदे पढ़ रहे थे कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया गया होता तो हमारी सरकार आ गई होती, सीटें बढ़ गई होती, तरह तरह के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे। वो बस इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को अगर गुड बुक में रख ले, कांग्रेस पार्टी इससे एग्री कर जाए कि उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाया जाए तो फिर सीटें कम पे भी वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जब शरद पवार ने कह दिया तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? मामला इसलिए उलझा है क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने फिर से वही बात कह दी कि एक चेहरा होना जरूरी है। शरद पवार के बयान के बाद क्या खबर आई उद्धव ठाकरे की तरफ से? शिवसेना यूबीटीज एमपी संजय राउत हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर ठाकरे's कैंडिडेंसी, मेंटेनिंग हिज पोजिशन डिस्पाइट पवार's रिजेक्शन। इन आवर ओपिनियन
No government or institution should be without a face. People must know who they are voting for. People voted for Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Narendra Modi. Rao reportedly stated, he also stated that there is no disagreement about MVA's leadership phase. He has been saying that Uddhav ji was chief minister in the MVA government. People do remember the good work done by him. He also reminded allies of Thackeray's leadership during the Lok Sabha election. ढाक के तीन पात, फिर वही बात वो कह रहे हैं कि बिना फेस के नहीं हो सकता. उद्धव ठाकरे एक महान मुख्यमंत्री थे, लोग अभी भी याद कर रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहे थे. लोग वोट करते हैं इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, नरेंद्र मोदी को, तो फेस होना बहुत ही जरूरी है. इसका मतलब क्या हुआ कि फेस के ऊपर अगर आपने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट उद्धव ठाकरे को घोष नहीं की तो फिर हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं. ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है. और जब यह सब हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी भी चुप कहां बैठने वाली है, क्योंकि आज खबर आई है, वहां बातचीत चल रही है. सूत्रों के हवाले से खबर दिया जा रहा है कि सारे लोग इक्वल सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ेंगे. तीनों ही पार्टियां इक्वल सीट के ऊपर चुनाव लड़ेंगी. वो भी फॉर्मूला समझेंगे कि किस तरीके से इसमें भी उद्धव ठाकरे की बेइज्जती होने वाली है. वो समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है. शरद पवार ने तो बता दिया मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए उद्धव ठाकरे, कोई और चाहिए. चुनाव से पहले किसी को हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे. उद्धव ठाकरे कह रहे कि हम तो बनेंगे. शरद पवार के बयान के बावजूद संजय राउत ये कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या संदेशा आ रहा है यह भी समझना जरूरी है. कांग्रेस स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट नाना पटोले रिवील ऑन सैटरडे दैट द कांग्रेस पार्टी सिमिलर टू नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी व्हिच इज लेड बाय शरद चंद्र पवार हैज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सीट शेयरिंग फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन दैट रिसेंटली टुक प्लेस अक्रॉस द कंट्री. This announcement was made a day after Sharad Pawar, the chief of NCP-SP, admitted that his party had agreed to contest fewer seats in order to maintain unity within the Maha Vikas Aghadi alliance. मतलब गलती हो गई जी. ये शरद पवार भी कह रहे हैं, नाना पटोले भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, और एनसीपी शरद पवार वाली जो का जो गुट है वो भी कह रहा है कि हमसे गलती हो गई. उद्धव ठाकरे को जरूरत से ज्यादा हमने सीटें दे दी, ये कॉम्प्रोमाइज हमने किया, अब ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. इसका मतलब यही है कि हमने अपना नुकसान किया ताकि अलायंस वो मजबूती से बीजेपी से लड़ सके इसलिए. लेकिन अब रिजल्ट्स आ गए हैं, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा, कांग्रेस पार्टी का भी स्ट्राइक रेट ज्यादा. हमारा जो नुकसान हुआ, कुछ और सीटें बढ़ जाती, वो उद्धव ठाकरे की वजह से हमें नहीं आई. हमें नहीं है जरूरत, बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने कर लिया, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. और एक ऐसा प्रपोजल लाया गया है जो उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आएगा. अब कहा जा रहा है कि तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे, नंबर ऑफ सीट्स इनके इक्वल होंगे. सीट शेयरिंग के बारे में अब 3 महीने के अंदर इसका फैसला किया जाएगा. और अभी से सुगबुगाहट चालू है, नेता बयान दे रहे हैं कि तीनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से एक ही नंबर पर लड़ेंगी चुनाव, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं. तो क्या बनेगा आंकड़ा? आंकड़ा इस तरीके से बनेगा कि आप 288 सीटों में जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के जो अलायंस हुआ उसमें 288 सीटों में 125 पे एनसीपी लड़ी, 125 पे कांग्रेस पार्टी लड़ी. ऐसे ही लड़ते आए हैं लोग. और उसके बाद बाकी बचे 38 वो इस महाविकास अघाड़ी में सिर्फ तीन ही नहीं, और भी कई सारी पार्टियां हैं. उन पार्टियों को 38 सीटें दी गई थी.
तो अगर इस बार भी इसी फॉर्मूले पर अगर आप चलेंगे तो 38 सीट अगर आप हटा देते हैं तो 250 सीटों में तीन इक्वल पार्ट बनेगा, 83 सीट्स बनेंगे, 83 सीट बनेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं होंगे उद्धव ठाकरे। क्या उद्धव ठाकरे को यह मंजूर होगा? 288 सीट और उद्धव ठाकरे मात्र 83 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पे वो एग्री करेंगे? यही पे ट्रिक है, यही पे मामला फंस गया है और इसलिए उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इक्वल सीट होगा तो कम से कम मुझे मुख्यमंत्री का पद दे दो। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति वो सिंधे साहब को देख करके हो रही है आजकल। सिंधे के गुट को कितनी सीटें आई, वो कितने सीटों पे लड़ रहे, उससे ज्यादा हमारा शेयर होना चाहिए ताकि हम ये कह सके कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना है। और उधर बीजेपी के गठबंधन में सिंधे साहब को अगर 100 सीटें मिल जाती है और मुख्यमंत्री का भी चेहरा उनको बना दिया जाता है तो उद्धव ठाकरे तो कहीं के नहीं रहेंगे। चुनाव से पहले ही इनका मॉरल डाउन हो जाएगा, शिव सैनिक जो है वो उधर चले जाएंगे। मामला बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है, इसलिए राजनीति में गठबंधन बनाने से पहले किस तरह की वैचारिक और सांगठनिक आप में कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए तो उनकी आंखों के सामने सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिखाई दे रही थी और इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। जनमत जिन लोगों के खिलाफ आप चुनाव लड़े उनके ही गोद में आप जाकर के बैठ गए तो अब ये बेइज्जती ये नुकसान तो सहना पड़ेगा ही। आप देखते रहे कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।